आज हमारे पास एक प्रश्न आया है, वह है तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जहाँ पर एक पात्र का नाम दे दिया गया होता है और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम बताएं कि वह पात्र किस कहानी या किस उपन्यास से लिया गया है। यहाँ पे मेरे पास चार विकल्प दिए हुए हैं, सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब के फूल, मैं हार गई। तो जो इस तरह की कथाएं होती हैं, देखिए अब हमारे पास दो तरह की रचनाएं हैं, एक वे जो सीधे सीधे हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, कहानियां, उपन्यास, नाटक इत्यादि, दूसरी वे होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाएं होती हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं अपने आप में होती हैं। आइए पहले हम इन चारों रचनाओं पर विचार करते हैं और देखते हैं कि इनके प्रमुख पात्र क्या हैं या इनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या है। देखिए, तपेदिक की मरीज यानी कि यह एक महिला पात्र है, एक नायिका है और इसके विषय में हमसे पूछा गया है। ये जो चार कहानियाँ दी हुई हैं, सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब के फूल और मैं हार गई, इन चारों की मुख्य पात्र नायिकाएं हैं, अर्थात ऐसी रचनाएं जिनके मुख्य पात्र महिलाएं हों वे भी हमारे पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैंने इन चारों कहानियों के मुख्य पात्रों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पर देखिए तो मोहन राकेश जी ने सुहागिने लिखी हैं, इसके बाद जो बाकी तीन कहानियाँ हैं वो तीनों महिला लेखिकाओं की हैं, तो इस कारण भी ये रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कृष्णा सोबती जी, उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी, ये तीनों लोग हमारे पाठ्यक्रम में हैं। कृष्णा सोबती जी तो कहानी में भी आती हैं और उपन्यास में भी आती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए ये चीज़ रटनी नहीं है बल्कि ये चीज़ समझनी है कि कौन से लेखक और उनकी किस प्रकार की रचनाएं और वे रचनाएं जिनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हों उनका अध्ययन आप कर लें तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, प्रश्न में तो मन्नो की बात हो रही है, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो बादलों के घेरे से लिया गया है और कृष्णा सोबती जी इसकी लेखिका हैं। अब कृष्णा सोबती जी के विषय में हम कुछ और जानकारी भी रख लें। देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सूरजमुखी अंधेरे के, सिक्का बदल गया, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की। ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये जो दो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, सिक्का बदल गया और जिंदगी नामा, ये दोनों हमारे पाठ्यक्रम में हैं। जिंदगी नामा उपन्यास है और सिक्का बदल गया इनका कहानी है, इनकी कहानी है। देखिए, इनके विषय में कुछ अन्य तथ्य भी आप जान लीजिए। कृष्णा सोबती जी स्त्री विमर्श की अग्रणी लेखिका मानी जाती हैं। देखिए, फिर से वो बात आ गई सामने जो मैं आपसे कहता हूँ कि अस्मिता मूलक विमर्श जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके लेखक, उनकी लेखिकाएँ अपने आप में महत्वपूर्ण हो गए और उनकी रचनाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए आप, इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कृष्णा सोबती जी एक कारण से और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वह है कि इनकी मृत्यु 2019 में हुई है, यानी कि हाल में ही इनकी मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में थी, अतः इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब आइए फिर से हम देखते हैं अपने प्रश्न को, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है, बादलों के घेरे, बी पार्ट इसका सही आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को हल करने के लिए जो एक तरीका है, जो एक ट्रिक है, वो मैंने आपको समझाया और आपको वो बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ अवश्य मिली होंगी जिससे आप इस तरह के और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली सीरीज़ में कुछ अन्य रोचक प्रश्नों